अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, चलिए आज हम बनाएंगे दही फुल्की। घर में बहुत ही जायकेदार, चटपटी, मसालेदार, बहुत ही सॉफ्ट एकदम बनाएंगे। चलिए बना के दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे और कम सामान में बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे, बहुत लजीज। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं क्या सामान लगेगा। दही फुल्की बनाने के लिए हमें बेसन चाहिए होगा। बेसन आप जो है जितनी फुल्की बनाना चाहें उतना इस्तेमाल करें। साथ में हमें दही चाहिए होगा। दही थोड़ा मेरा गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला होगा तो फुल्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। और हमारे मसाले लगेंगे। मसाले हमारे थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा, भुना जीरा चाहिए होगा भुना पिसा, और हमें चाहिए होगा काला नमक, थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च, और हमें साथ में मीठा सोडा चाहिए होगा, थोड़ा हमें नमक मिर्च जो डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं। और तड़के के लिए हमें सामान चाहिए होगा, थोड़ा करी पत्ता, हींग, हरी मिर्च और ये जीरा साबुत। हमने दही में से थोड़ा दही निकाल लिया है इस बड़े कटोरे में, और जो इसमें हम थोड़ा मसाला मिलाएंगे, ये भुना जीरा मिलाया है, और हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा ये जो लहसुन का पेस्ट बनाया था ये मिला देंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ा काला नमक मिला देंगे, और हम ये जो मिर्चा नमक हमने रखा था इसे थोड़ा थोड़ा सा बस मिला देंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा इसमें मिला देंगे कि हम अपना दही तैयार करेंगे। दही फुल्की जिसमें डालेंगे थोड़ी सी अलग सॉफ्ट बनाएंगे, और जो दही अलग से डालेंगे वो अलग रखा है उसी में से हमने थोड़ा दही निकाला है। और अब हम इसमें मिला देंगे पानी, थोड़ा दही पतला रखेंगे ताकि फुल्की इसमें फूल सके आसानी से। पानी में हम नहीं भिगोएंगे, हम दही का ही टेस्ट लाएंगे। तो हम इसमें जो है थोड़ी फुल्कियाँ डाल के अब हम दिखाएंगे आपको और क्या करना है। चलिए एक बड़े मुखे बर्तन में हमने ये बेसन डाल दिया है, और इसमें अब इसमें हरी मिर्च हमने जो काट के रखी थी वो मिला देंगे, साथ ही हमने भुना जीरा मिलाया था ये आधा डाल देंगे, और हमने ये जो नमक मिर्च रखी हुई थी जो बचा के ये भी इसी में डाल देंगे। और हम इसमें डाल देंगे मीठा सोडा जो हमने दिखाया था अभी आपको, ये बस एक पिंच है, ये हम डाल देंगे। ये हमारी फुल्कियों को जो है बहुत अच्छी सॉफ्टनेस देगी, जो फुल्कियाँ फूलती नहीं है, घुलती पड़ जाती हैं। अगर आप अच्छी पिटाई कर लेते हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कम पिटाई करते हैं तो इसको डालेंगे तो हमारी फुल्कियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट एकदम मुलायम बन के तैयार होंगी। तो चलिए अब हम इसमें जो है थोड़ा हमारा धनिया भी डाल देंगे। चलिए हम इसकी अच्छी पिटाई कर लेते हैं आपस में मिक्स करके। तो धीरे धीरे हमें पानी डालना है, एकदम से नहीं डालना है, ज़्यादा पतला बैटर हो जाएगा तो हमारी फुल्कियाँ जो हैं बिल्कुल पतली होंगी, टेढ़ी वोकी बनेंगी। और अगर हमारा थोड़ा सा जो है थिकनेस पे होगा तो हमारी फुल्कियाँ जो हैं बिल्कुल गोल गोल बनेंगी। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे बहुत धीरे धीरे से। अच्छी हमें पिटाई करनी है, अपनी उंगलियों को ऐसे इसमें इस तरह घुमा करके इस तरह से घुमाते रहना है जैसे कोई मथानी हो, इस तरह से हम घुमाएंगे। जितनी अच्छी हम इसकी पिटाई करेंगे उतनी अच्छी हमारी फुल्कियाँ बड़ी बड़ी फूल फूल के हो जाएंगी। इस तरह से हम इसकी लगातार पिटाई करते रहना है। देखिए मेरी अच्छी पिटाई हो गई है इसकी, ये देखिए हमें इसकी इतनी थिकनेस चाहिए थी। ज़्यादा एकदम गीला बैटर होगा तो हमारी जो है फुल्कियाँ बिल्कुल टेढ़ी वोकी बनेंगी, हमें गोल फुल्की बनानी है। तो चलिए अब हम बना के दिखाते हैं इसकी फुल्की। तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसको डालना शुरू करते हैं। देखिए इस तरह से हम डाल रहे हैं, बिल्कुल देखिए मेरा शेप सही आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल फैल नहीं रही हैं फुल्कियाँ हमारी, गोल गोल बन रही हैं। और ये सॉफ्टनेस भी मैं आपको दिखाएंगी इसकी। इसको हम चम्मच से भी बना सकते हैं, इस तरह से कोई चम्मच ले लिया, और ये देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं इसको। इसके बिल्कुल गोल शेप में आएंगी, आप किसी चम्मच से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं, आप जिस तरह चाहें उस तरह तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसके भी एकदम गोल शेप आ रहा है। गैस की फ्लेम हम थोड़ी हाई कर दे रहे हैं, अभी हम धीमी की हुई थी, अब हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। देखिए मेरा अच्छा कलर आ गया है, इस तरह का कलर हो जाए तो आप धीरे धीरे साड़ी निकाल लीजिए एक बाउल में, निकालते रहिए। इतना प्यारा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी है ये, अंदर तक हो गई है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर बनाया है,
हाई फ्लेम नहीं रखी वरना अंदर ये कच्ची रहती और ऊपर से तो हो जाती क्रिस्पी दिखती। इसी तरह हम और दूसरी भी इसी तरह खा रहे थे। मेरी सारी फुल्कियाँ हमारी, ये भी अच्छे से बहुत अच्छा कलर आ गया है और क्रिस्पी हो गई हैं, अंदर से सॉफ्ट हो गई हैं। फूल कर देखिए बड़ी हो गई, अभी हम आपको तोड़ के भी दिखाएंगे। तो देखिए सारी हमारी पकड़ी बहुत प्यारी तली है। चलिए बस अब हम इसको निकाल लेते हैं सारी। तो देखिए अब हम इसी दही में, हमने दही पर मसालेदार बना के रखा था, अब एक एक कप पकौड़ी इसमें डालते रहेंगे और हम आपको दिखाते हैं तोड़ के भी। देखिए कितनी सॉफ्ट है बिल्कुल, ये देखिए। चलिए भी इसी में डाल देते हैं, सारी हम इसी में डाल देंगे कि ये दही जो है पी के थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसको हल्का हल्का प्रेशर करते रहेंगे, ऐसे दबाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। इसे दबाने से इसमें दही अंदर चला जाएगा और ये हमारी फुल्कियाँ जो हैं सारा दही अपने अंदर पी लेंगी, तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। इस तरह से थोड़ी देर इसको 5 मिनट तक हम इसी में पड़ा रहने देंगे। तो दही हमारी जो है फुल्की ने पी लिया है और अब हम ये सारी फुल्कियाँ जो है एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई हैं। चलिए हम इसमें जो जितना दही बचा था ये भी इसी में डाल देंगे और ये जो हमने बाकी दही निकाल के रखा था अभी ये भी इसी में मिला देंगे। जितनी ज़रूरत हो आप इसमें दही डाल दीजिए, ये हमारी फुल्कियों को जो है बहुत अच्छा लुक देगी। अब हम इसमें जो है थोड़ा सा जो है भुना जीरा भी डाल देंगे ऊपर से और हम थोड़ा सा इसमें मिर्चा डाल देंगे। चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया, हमने तड़के के लिए थोड़ा सा ऑयल डाला पैन में और हमारा जो ऑयल गर्म हो गया तब इसमें सबसे पहले जो है इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरा हो जाएगा तो हम इसमें जो है हरी मिर्च डाल देंगे। ये हमने मिर्च जो है थोड़ी सी कट लगा दी है, साथ ही हम ये कड़ी पत्ता डाल देते हैं और हम ये हींग डाल देते हैं। चलिए अब गैस पर फ्लेम बंद करते हैं। हम ये तड़का जो है इसमें दही में लगाते हैं। अब ये तड़का हम दही में लगा देते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा हम काला नमक भी ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छा जायका निकल के आएगा। तो लीजिए मेरी कितनी आसानी से दही फुल्की बहुत जायकेदार तैयार है। अजीज जायकेदार दही फुल्की है तैयार मिनटों में। देखिए कितने कम सामान से बहुत ही लजीज जायकेदार हमने दही फुल्की बनाना सिखाया और आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। ईद में बहुत लजीज लगती है बनाने में, सॉफ्ट है। तो चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं इसकी सॉफ्टनेस निकाल के, ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए हमारी दही फुल्की बहुत लजीज बनी है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, देखिए पूरी तरह से ये देखिए फूल चुकी है, बहुत लजीज बनी है। तो चलिए आप इसको देखकर ट्राई कीजिएगा, इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली न्यू रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़। आप सबको ईद मुबारक हो।